डीए की जो मांग है वो इनका हक है पुत्र, अब दे भी दो, पूरे वंश को बचालो, पूरे कांग्रेस जनता को बचालो, नहीं तो ये कांग्रेस तुमको और तुम्हारी कांग्रेस की जो सत्ता है उसको ले डूबेगा पुत्र। देख अपने खड़े हुए हैं, एक तरफ कौरव दल और एक तरफ पांडव दल, अब कहना चाहिए भावनाओं को समझिए, एक तरफ भूपेश सरकार और एक तरफ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, दोनों के दोनों खड़े हुए हैं और दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, एक तरफ भूपेश सरकार और एक तरफ कर्मचारी संघ, और दोनों में संवाद जब चलता है तो कर्मचारी कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध होने से पहले अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे पार्थ, मेरे रथ को तरिक धरना क्षेत्र के मध्य में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं केशव कि आज मेरे पक्ष में कौन कौन खड़े हैं और कौन अपने हैं और कौन बड़ाए हैं। कृष्ण ने कहा बिल्कुल समझे, बिल्कुल अर्जुन, मैं ले चलता हूँ आपके रथ को बीच मध्य में, और जब ले चलते हैं बीच मध्य में तो समझिए एक तरफ भूपेश सरकार और एक तरफ टी एस सी देव और जो भी है भीष्म पितामह खड़े थे, अश्वत्थामा खड़े थे, दुर्योधन खड़े थे, सब खड़े हुए थे, तो उसी प्रकार से एक तरफ हम पांडव वाले हैं भाई, गलत नहीं समझ रहे हैं, दुर्योधन वाले हैं, फिर खड़े हुए थे, तब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, है ना गीता का जो उद्देश्य है, तो वो कृष्ण समझा रहे हैं यदा यदा डीएस आरएस, यदा यदा जब जब डीएस और आरएस की बात होगी तब तब हे पार्थ मैं धरना करूंगा, लड़ूंगा आपके पक्ष में, संघर्ष करूंगा। तब वो अर्जुन कहते हैं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग तीजा चले गए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और हमारे जो कर्मचारी फेडरेशन है उसमें आज बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी मातृत्व शक्ति बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लगता है वसुदेव कि जो अदर ब्लॉक के हैं वो हमारे ब्लॉक में आके बैठी है माताएं, क्या बात, इसलिए जोरदार ताली हो जाए। क्योंकि हमारे ब्लॉक के लोग दूसरे ब्लॉक में जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी माताएं जो है, और दूसरे ब्लॉक के लोग हमारे यहाँ आए हैं बहुत सारे, तो अच्छा लगता है, गर्व की बात है। अब आप ले चलते हैं सीधा युद्ध की ओर, एक तरफ टीएस देव खड़े हैं रथ पर, सिंहासन में बैठे हैं टीएस देव, और दूसरी तरफ उसके बगल में खड़े हैं भूपेश सरकार, दुर्योधन कहते हैं पितामह क्या इस विचार में सोच रहे हैं, किस विचार में पड़े हुए हैं, आप मेरे नमक खाते हैं और गुण गुस्से खाते हैं, इन हड़तालियों का लगातार 8 दिन हो गया मुझे परेशान कर दिए हैं, दिए 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 6% तो दिया है उनको, क्या बात, और क्या चाहिए, पुत्र तुम जो ये बात अनुचित कह रहे हो पुत्र, ये इनका अधिकार है पुत्र, अगर मैं होता मेरे दिल पसीजता है पुत्र, मेरे दिल से पूछो मैं कांग्रेस से बंधा हुआ हूं पुत्र, मैं तो कब तक दे दिया हूं, ये तो इनका अधिकार है, तभी सोचिए पुत्र, इन्हीं के कारण तो हम सिंहासन में बैठे हैं पुत्र, पितामह ये जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे जगह में अगर कोई और कहा होता महादेव की सौगंध तुम्हारे हक से तुम्हारा सर धड़ से अलग हो चुका होता। अब शकुनी
भान जी भान जी धीरज भान जी धीरज पितामह तो बूढ़े हो गए आज है भान जी कल चले जाएंगे लेकिन सत्ता तो हमारे हाथ में आ रहा है ना भान जी सिंहदेव अनिधि की बात न करिए संघर्ष कर रहे हैं तो करने दो मरता है तो मरने दो भावनाओं को समझो कौन कह रहा है भूपेश सरकार दुर्योधन कह रहा है मतलब वो दुर्योधन के पक्ष में है संघर्ष अगर करता है तो करने दो लड़ते हैं तो लड़ने दो मैं तो इनको सुई भर का दिए नहीं दूंगा तो ऐसी बात नहीं थी बहुत सारे कौरव पक्ष में भी बड़े समझदार लोग थे सब राक्षसी राक्षस नहीं थे फिर पितामह कहते हैं अब भी सोच लो पुत्र अगर अब नहीं दिए तो कल तुम नजर नहीं आओगे पुत्र ये जो मांग है ना पुत्र ये डीए की जो मांग है वो इनका हक है पुत्र अब दे भी दो पूरे वंश को बचालो पूरे कांग्रेस जनता को बचालो नहीं तो ये कांग्रेस तुमको और तुम्हारी कांग्रेस की जो सत्ता है उसको ले डूबेगा पुत्र दे अब विचार तनिक तनिक चल रहा है विचार आ रहा है उस दुर्योधन और इस दुर्योधन में बहुत फर्क है उनको तो सत्ते का मोह था पर ये भूपेश सरकार को दोनों तरफ से मोह है वो जानते हैं कि ये बनाने वाले भी यही हैं और बिगाड़ने वाले भी यही हैं विचार कर रहे हैं मंथन चल रहा है गए भी थे वार्ता के लिए विचार हो रहा है चलेगा भी और हमको डीए मिलेगा बोलिए भारत माता की जय हो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इतने समय तक आपने समय दिया